जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भोला जी किचन क्लब। उम्मीद है कि सब दोस्त फिट होंगे, क्या खैरियत से होंगे। आज कप्तान जी के पास आए हैं दोस्तों। ये कबूतर फिर रहा है जालदार, ये आ रहा है, ये देखें, ये सामने आ रहा है, ये आ रहा है, वो गया पीछे, इधर से छेड़े लग रही कप्तान जी, मेरा ख्याल इनका ही है ना। ये आ, ये देखो दोस्तों, ये फिर रहा है। ये उसी इलाके के लग रहा है, वो नीचे भी ना भड़के दे रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये ब्रीडर कबूतर हैं दोस्तों भाई। ये देखें जोड़ों वाले, हर कलर माशाल्लाह, फिरोजपुरी, रामपुरी, लाखे, गलवे, क्या बात है, बड़े बड़े प्यारे कबूतर हैं यार, ब्रीडर कबूतर दोस्तों भाई। ये किसके आ, ये ऊपर ये बच्चा बीच में, नहीं नहीं ये रंग लगा बच्चा है वो, ये वाला, ये वाला। अच्छा ये जंगली है, ये देखें यार कबूतर फिर रहे हैं। ये बच्चा आया हुआ किसी का, ये आ गया आ गया। ये देखें, ये दोस्त एक बच्चा आया हुआ, देखते हैं कहाँ बैठता है। ये गया, ये आ गया, ये माशाल्लाह, ये आया सामने वाले के, ये इनकी है ना। ये देखे माशाल्लाह ये 200 कबूतर, क्या बात है, कमाल कबूतर हैं यार सारे। ये देखे माशाल्लाह रौनक लगी हुई है कप्तान जी के पास, चेक करें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत वसीन कबूतर माशाल्लाह, रामपुरी, क्या बात, रामपुरी कबूतरी बड़ी जबरदस्त, वो बीच में फिर रही माशाल्लाह। दाने का टाइम हुआ वह दोस्तों, इन्हें भी दाना डालना है। ये देखिए माशाल्लाह कैसे कैसे कबूतर हैं, क्या बात, ये देखो यार दोस्तों, मैं कह रहा पास से आपको दिखाऊं। ये देखिए माशाल्लाह कैसे कैसे कबूतर हैं, काले जीरे, खाकी, जालदार, नीले, क्या बात है। ये देखें यार नीला कबूतर कैसा चैंपियन कबूतर है, ये देखें ये नीचे हरी कबूतरी है, ये लाठी भी रहती है, चेक करें ये टैडी, ये जीरा कबूतर माशाल्लाह, ये भी टैडी है, क्या बात है, बैठ गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ जी वो बैठा है, वो हरा सा पता नहीं, कुंदे फेंके में। ये देखिए माशाल्लाह जोड़ा दोस्तों, क्या बात है यार, ऐसे जोड़े कहाँ मिलते हैं। ये देखिए पूरा फुल साइज जोड़ा और माशाल्लाह बड़ा नस्ल वाइज जोड़ा है। ये बड़ी देर बाद यार, ये मिसे इलाके कह सकते हैं आप, इन्हें शिकरे कह सकते हैं, इंडियन कह सकते हैं, कमाल जोड़ा है यार, एक रंग का जोड़ा है। इसका आपको भी शौक भी कराएंगे, थोड़ा ज़रा तंग कर रहे हैं, उस साइड से निकाले हैं ना। ये देखें माशाल्लाह इनकी स्कैनिंग चेक करें, फिर आपको परकुंदे का भी शौक कराते हैं माशाल्लाह जी। आप परकुंदा देखेंगे, बड़ा क्वालिटी वाला परकुंदा, कम कबूतरों की होते हैं ऐसे जैसा इसका परकुंदा। ये देखें माशाल्लाह सेम जोड़ा है यार, है भी ब्लीडर जोड़ा से, इसका आपको शौक कराते हैं हम परकुंदे का जी। अस्सलाम वालेकुम कप्तान जी, क्या हाल है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भोला जी, आप सुनाए, ठीक है। ठीक क्या होना यार, गर्मी बहुत ज्यादा है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, हवा बंद हुई, मजबूरी है यार, हमने तो तारा डाल रही है, जो भी सेक निकल रहा है कैसे दीवारों में से है, साइडों पर से, नीचे छत से, बड़ी गर्मी है कप्तान जी, पसीने में। तो कुछ लोगों के कोई पैसे वगैरह भी आए हुए, वो तो ऐसे करते हैं जैसे कप्तान के पास ना पर लगे हुए, अंधेरी, तूफान, बारिश, इसमें कबूतर किस तरीके से भेजे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुश्किल है, किचो हो जाते हैं कबूतर, जिस वक्त पानी में होते हैं तो भेजे भी नहीं जाते, और उसके अलावा कई
लोग जो गाड़ियों वाले वो नहीं रख रहे, कह रहे हैं जी गर्मी कबूतर मर जाते। हाँ जी नहीं है, सेफ्टी दोस्तों अपना ख्याल रखा करो यार। अगर आप पैसे अगर आप हमें भेजते हैं ना तो कुछ सबर भी कर लिया करो, कोई हम किसी के पैसे मार के भागे लिखवालों में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पैसे आए हुए होते हैं हम उसके वो भेज देते हैं, थोड़ी देर हो जाती भेज जरूर। नाले इन दिनों में कप्तान जी तैयार जरूरी है, देखे जी जल्दबाजी में भेजेंगे परिंदे मर गए तो फायदा, गर्मी बहुत ज्यादा है, सांस वैसे नहीं निकल रहा, जब डब्बे में डालने हैं फिर आगे से कुछ लोग होते हैं जेडे सही गाइड करते हैं, ड्राइवर कुछ बार हरामी होते हैं बीच में। बोला जी एक जोड़ा दिखाने लगा ये माशाल्लाह जी कप्तान जी कबूतर तो पूरा हीरो निकाला आपने, क्या वाह बड़ा फन्ने खां कबूतर है, वाह जी वाह दिखाएं कप्तान जी। अमृतसरी लख है जी इंडियन, ये देखें माशाल्लाह यार इसका खोपड़ चेक करें और इसकी नोक चेक करें, अमृतसरी कबूतर हकीकत बात है। साथ जी हमने झूठ बोल के क्या ले लेना है, कप्तान जी बड़ा हुसन का मालिक है, हुसन का मालिक, उसके अलावा देखे ना सीना देखे, ये देखे ये कैसी लालियां हैं, पहलवान कबूतर है, ये देखे पल्ला देखे माशाल्लाह दोस्तों, ये देखे पूरा किताबी पल्ला है यार, इसकी बगल देखे और इसका फर्क उंदा देखे, ये देखे बहुत ही क्वालिटी वाला कबूतर है दोस्तों, ये माशाल्लाह हड्डी जोड़ भी पूरा बिल्कुल साफ है, आपने तो चेक कर लिया, जबरदस्त कबूतर है देखे, इसकी फीमेल आ गई ये देखे माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों जो भी इसकी ब्रीड बनाएगा माशाल्लाह याद ही करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूतरी पूरा लाहौर फिरती थी। अच्छा जी हाँ, बस मैं ले ही आया उनसे, हल्की सी इसको कसर है हल्की। अच्छा पुरानी, क्योंकि कबूतर जब हम बेचते हैं ना उसकी में जो कोताही होती है वो बताकर भेजते हैं। हाँ ब्लीड करेगी है ना उस जी, क्या हो गया ये अभी छोड़े, ये देखें ये देखे माली इसका ही पार बड़ा कमाल है, देखो सही है इसका बैलेंस देखे तुम का, ये कप्तान जी ये कबूतरी शिकरों में से है माशाल्लाह, ये शिकरी है, ये कबूतर कहाँ मिलते हैं ये देखे ना, तीन पर कहाँ जा रहा है, नौवा पर देखो ना बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़े तिखे पा रहे हैं, ये माती है जी ये दोस्तों जोड़ा है सामने काट रहा है पहलवान, दोनों को सीने से सीना जोड़ी इधर ही काट मेरे सामने काट रहे, शक्ल नहीं ना आएगी नहीं आएंगे, ये देखे यार कैसा जोड़ा है दोस्तों, सेम जोड़ा माशाल्लाह दोस्तों, बहुत प्यारा जोड़ा, जिस भाई को चाहिए होगा ना कप्तान जी से राबता करके ले लेना, 322 हाँ जी हाँ जी 0322 420 33 इधर छोड़ 0322 जी 420 67 33 ये माशाल्लाह दोस्तों अमृतसरी जोड़ा लाखा, इसमें हकीकत बात और शिकरी कबूतरी है। आज हमने आपको एक शौक और कराया नया अनपोर्टेड, ये देखें ये ये हमारे पास गिफ्ट ही आ गया दोस्तों, ये देखें चेक करें, ये पता नहीं किधर से अंदर आ गया, हम तो हैरान हो गए देख के, ये देखें ये तोता है, ये बच्चा है जी हमारा भतीजा, इसको हमने गिफ्ट कर दिया माशाल्लाह जी, कप्तान जी आप ही अंदर आ गए हैं, देखें दोस्तों मैं पता ही नहीं किधर से अंदर आ गया, अल्लाह ताला और कबूतरों में बड़ा खुश है, कैसे खाना खाया है, भूखा प्यासा था ना, कौवे कुए भी तंग कर रहे होंगे, बादशाह मूड में है। और कप्तान जी आप सुनाएं तबीयत सुनाएं, तबीयत तो बस ठीक है, दुआओं के तलबगार है, दुआ कर दिया करें हमारे लिए आप लोग, आमीन आमीन, और हमारे दोस्त जो पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हैं जी, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे, आमीन, और जो बेरोजगार है अल्लाह पाक यही दुआ होती है अल्लाह पाक उनको काम उसका उनका संभव बना दे, ताकि यार अपना अपने बच्चों को खिलाए पिलाए। दोस्तों एक चीज और है, बस नमाज का जरूर एहतमाम किया करें, ना खत्म होने वाली जिंदगी या मरने के बाद उसकी तैयारी नमाज से करनी चाहिए, ऐसे तो नमाज पढ़ा करो यार, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ाया करो, दूसरे लफ्जों में कुरान पाक की तिलावत भी किया करो, और एक चीज का और ख्याल रखा करें, अपने माँ बाप की जरूर खिदमत किया करो, माँ बाप जो है ना बाप है जन्नत का दरवाजा बोला जी, बिल्कुल ठीक, माँ जन्नत ऐसे ही, तो जब तक बाप की तुम खिदमत करोगे तो जन्नत में जाओगे, क्या ख्याल है, हाँ जी हाँ जी, दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपना मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और दोस्तों एक चीज और जहन में रखिएगा कि जिंदगी जो होती है ना, जिंदगी एक मर्तबा मिलती है, ऐसे ही है, इसी में ही तुमने करना है, अच्छा करना बुरा करना जो भी करना इसी में करना है, बिल्कुल, एक इंसान मरा हुआ होता है बोला जी जी जी, ये नई चीज आपको बता रहा हूँ, वो मरा हुआ होता है, उसकी कान में आप कहें कि यार तेनू मैं ना मर्सिडीज गड्डी लेके दे रहे हैं, अच्छा है? दूसरी दफा उसके कान में कहो
कि यार 2 करोड़ का प्लाट मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। ये मुझे बताएं वो लेगा या नहीं, मुझे बताएं। वो तो मरा हुआ है, खत्म हो गई जिंदगी उसकी, खत्म हो गई, नामा-ए-माल बंद हो गया, बंद हो गया। आप उसको जितना जो मर्जी करते रहे, वो खत्म हो गई उसकी जिंदगी। अच्छे काम किए होंगे उसको अच्छा सिला मिलेगा, बुरे काम किए होंगे तो गुनाह वहीं से शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही कब्र में। और दोस्तों एक चीज और है, कब्र जो होती है ना, ये जब कभी भी जमीन पर चला करो ना, अकड़ कर ना चला करो, इतरा कर ना चला करो, ऐसे तो फिर जिस कब्र में जाता है ना, फिर जब कब्र यूं करती है ऐसे जी, ऐसे जी। एक तरफ से पसली इधर निकल जाती है, एक तरफ से वो बड़ा मेरे से इतरा के चलता था, बड़ा पैर पटक पटक के चलता था। दोस्तों यार अपना ख्याल रखिएगा यार, गलती हो जाए कभी तो यानी कि माफ फरमा दिया करो। जी मेरा भी हाल देखो, गर्मी मैं करूँ कप्तान जी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बस। और भोला जी भी सब्सक्राइब करना, जो भी दोस्त है वहाँ पे उसको भी अपना, आप उमर भाई बीमार थे, अब ठीक है, अल्लाह उनको भी सेहत में तंदुरुस्त जी, जो भी बीमार हजरात है अल्लाह उनको शफाए कामला अता फरमाए हमारे। अब ठीक है उमर भाई, आप बेहतर है। मैंने बड़े फोन किए जब इन्हें पोस्ट लगाई थी ना, मैं कहा यार इससे पूछू उसे सही, उन्होंने एक टेलीफोन भी नहीं उठाया। चलो हिदायत दे दीजिए, कह सकते फोन उठाना चाहिए। हाँ बंदा मिलता है जुलता है, कुछ सलाम करता है भाई, आजकल किसके पास इतना वक्त है, मेरे भी उसने 3 फोन नहीं उठाए, नहीं उठाया। मुझे बहुत इस चीज का भी दुख है, ऐसी कि यार हम लोग ने क्या किसी से ले लेना है यार, बिल्कुल हम तो, हमें तो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि हमारे पास जाल है, कबूतर है, हर चीज, हाँ हमसे लोग लेकर ही जाते हैं यार, तो हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी हो यार। कोई काम ऐसा होता है बहुत जरूरी काम होता है, जैसे तबीयत का हमें पता लगा, जैसे पोस्टर लगी मैंने टेलीफोन किया, कोई घंटा उसके घर खड़ा, फिर अगले दिन फोन किया, कोई नहीं, कोई भी बेल भी देता रहा, कोई भी फोन भी करता रहा, कोई नहीं निकला, लगे इसी चल रहा था उसके कमरे का जी। चलो कोई बात, अल्लाह खैर। लो दोस्तों भाई, और दुआओं में याद रखना, आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे माशाल्लाह। जो कोई कबूतर आपको चाहिए यहाँ पर हाजिर है, जोड़ों वाले भी, बच्चे भी, उड़ाने वाले भी। खुदा हाफिज़।